राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी का खीरे से जन्म हमें जन्माष्टमी के दिन कैसे कराना है जन्म, तो वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों देखिए, जन्माष्टमी के दिन 6-7 बजे करीब, जैसे शाम के टाइम हम पूजा करते हैं ना, उस टाइम हमें खूब सारे फूल ले लेने हैं, डंठल वाला हमें खीरा ले लेना है। अगर डंठल वाला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर देखिए दोस्तों, आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो बीच में से खीरे में से जैसे छेद करके ना आप उसमें भी सुला सकते हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो मैं अलग तरीके से खीरे से अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराऊंगी। तो दोस्तों, किस तरीके से जन्म कराना है खीरे से, शाम के टाइम 7 बजे करीब दोस्तों हमें एक खीरा ले लेना है, टोकरी ले लेनी है। टोकरी ना हो तो आप कोई भी बर्तन भी ले सकते हो, और इतना बड़ा हमें बर्तन लेना है जिसमें आराम से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो सके। तो दोस्तों, हमें खूब सारे फूल ले लेना है, फूलों से बिल्कुल हमें अपने लड्डू गोपाल जी को कवर करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें खूब सारे फूल ले लेने हैं, तुलसी दल हमें ज़रूर रखना है, और इस तरीके से हमने वस्त्र उतार के ही अपने लड्डू गोपाल जी का जैसे कि जन्म कराना होता है, तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को सुला देंगे। और लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद में हम एक तुलसी दल अवश्य रखेंगे। अब उसके साथ में ही दोस्तों देखिए, हम पूरा अपने लड्डू गोपाल जी को फूलों से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कवर कर देना है, और साथ में ही हमने खीरा अवश्य रख देना है, क्योंकि खीरे से ही हमें जन्म कराना है। तो अच्छे से दोस्तों हमने लड्डू गोपाल जी को कवर कराना है। और दोस्तों देखिए, ध्यान रखना है कि जब तक लड्डू गोपाल जी का जन्म ना होना, हमें ये प्लेट ये थाली बिल्कुल छूनी नहीं है। आप जब तक कोई भी मंत्र जाप कीजिए, कोई भी अपने पाठ कीजिए, उस अलग तरीके से हमने अपना पाठ वगैरह करना है, लेकिन ये हमारे लड्डू गोपाल जी के जो ये जगह है, इस पर हमें नहीं पे आना है और ना ही हाथ लगाना है। तो इस तरीके से एक सिक्का ले लेना है, खीरा ले लेना, खीरा हमें हो सके तो डंठल वाला ही ले लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये जगह अपना यहीं पे बैठ के हम जाप वगैरह करें या कुछ भी करें, 12 जब बजेंगे उसके बाद में ही हमें खीरे से अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही 12 बजेंगे तो हमें अपना जय जयकार लगानी है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अपना हथेली बजानी है, और घंटी की आवाज़ से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराना है। और बहुत ही प्रेम पूर्वक दोस्तों हम अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएंगे। तो धीरे धीरे जो भी फूल है ना हमारे, वो हम उनको एक एक करके आराम से धीरे धीरे हटाएंगे। याद रहे, ज़्यादा वैसे नहीं, अपना धीरे धीरे ही इन फूलों को हमें हटाना है। और ये फूल ना हमारे पूजा में भी यूज़ में हो जाएंगे, हम पूजा में इनको जैसे सजावट के रूप में हम इनको यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है दोस्तों, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का अब हम जन्म कराएंगे और स्नान कराएंगे। तो देखिए, ये हमें खीरा ले लेना है, और सिक्के की सहायता से आगे का जो होता है ना हमारा डंठल, वो हमें काटना है। याद रहे, चाकू यूज़ में नहीं करना है दोस्तों, हमने खीरे से ही जन्म कराना है और खीरे से ही हमें इसको हटाना है। तो इसके साथ ही दोस्तों, ये खीरे का ना भोग लगेगा हमारे लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद में हम घर में अपना प्रसाद रूप में सबको दे देंगे। तो देखिए, कांचीदन जो बोलते हैं ना, वो हमारा अब हो चुका है। इस तरीके से हमें भोग भी लगाना, अब इसको हम एक साथ में रख देंगे। अब दोस्तों हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, क्योंकि जैसे जन्म होता है ना, उसके बाद में हमें अपना लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराना होता है। तो पंचामृत में देखिए दोस्तों, सारी सामग्री है हमारी, दूध दही शहद शक्कर घी, हमने ये 5 चीज़ ले लेनी है, और तुलसी दल हमें अवश्य लेनी है। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्लेट ले लेनी है, थाली ले लेनी है, उसमें हमें अपना लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। और ये सारी सामग्री हमें पहले ही इकट्ठा करके रख लेनी है, क्योंकि उसी टाइम हमसे जैसे चीज़ें कोई छुप ना जाए, इसलिए। तो तुलसी दल रखनी है, या फूलों का आसन हमें थोड़ा सा देना है, और फिर हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दूध से स्नान कराना है अपने लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद में हमें दही से स्नान कराना है। तो इस तरीके से 5 चीज़ें से हमें एक एक चीज़ करके और आराम से
तसल्ली से हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना। तो पंचामृत स्नान जो है ना वो हमें अपने लड्डू गोपाल जी का कराना। अब हमने शहद से स्नान करा दिया है और ये अपने लड्डू गोपाल जी का हम स्नान कराने। तो दोस्तों ये सारी तैयारियां हमारी पहले ही हो जानी चाहिए और ये खीरे का जन्म ना हमें अवश्य कराना चाहिए। तो ये जो भी हम अब जैसे लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना तो खीरे का जन्म हमें अवश्य कराना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पंचामृत से स्नान करा के दोस्तों अब हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। इस तरीके से शुद्ध जल से स्नान करा के और अब हम दोस्तों अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार करेंगे और बिल्कुल न्यू ड्रेस हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और क्योंकि जैसे कि हम नए वस्त्र पहनते हैं त्यौहार के दिन हम तैयार होते हैं, उसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करेंगे। और ये जो पंचामृत हमारा बनाना ये भी हम प्रसाद रूप में घर में सबको देंगे और खुद भी कहीं पियेंगे, इसी से ही हमारा व्रत खुलेगा। तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को हमें बहुत सुंदर ड्रेस पहना के तैयार कर देनी है दोस्तों और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है, आरती करनी है, इस धूप दीप दिखा के हमें पूजा करनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। अब हम प्रॉपर इनका जो कहते हैं ना तैयारी करेंगे और श्रृंगार करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी का। तो इस तरीके से दोस्तों हमें खीरे से जन्म कराना है और ये थी बिल्कुल सरल विधि हमारी लड्डू गोपाल जी की 5-6 दिन की खीरे के जन्म की। तो कैसी लगी आपको दोस्तों जरूर कमेंट्स करना। राधे राधे।